dear students, i welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and cn making. this is module number 189 and we are talking about beyond empathy, the power of compassion. empathy is very important ingredient of emotional intelligence, but the compassion is a step ahead. apne stakeholder close relationship, we feel compassionate, we feel concerned. फील कनेक्टेड और वो तमाम चीजें हमें अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देती हैं इन द डिस्कशन रिलेटेड टू एम्पेथी रिमेंबर दैट देर आर थ्री काइंड ऑफ एम्पेटिक एस्पेक्ट्स द फर्स्ट इज कॉगनेटिव एम्पेथी जिसमें हम ये शो करते हैं कि वी अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देन देर इज इमोशनल एम्पेथी जिसमें हम अंडरस्टेंड करते हैं वट अदर पर्सन इज फीलिंग सलीर इज एम्पेथिक कंसर्न जिसमें कि हम ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि दूसरा शख्स विच इज अवर स्टेक होल्डर उसकी हमारे साथ तो प्रोरिटीज क्या हैं जब हम तो प्रोरिटीज की बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो नो डाउट वी आर फोकसिंग अपॉन अवर फोर वे विन्स जिसमें कि हमारी अपनी जात है हमारा प्रोफेशन है हमारी कम्यूनिटी है और हमारी फैमिली है और इन चारों स्टेक होल्डर इन चारों डायमेंशंस को वो एक साथ लेकर चलने से ही हम अपनी टोटल लीडरशिप हम अपनी जो कंसर्न ऑफ द स्टेक होल्डर्स है उसको मटीरियलाइज वो कर पाएंगे और उसमें नो डाउट एम्पेथी होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब के केस में जब हम एक स्टेप आगे को ट्रेवल करें विच इज अवर कंपैशन तो याद रखें कि कंपैशनेट होने में हमें सबसे पहले ऑब्वियसली एम्पथी को तो डेमोन्स्ट्रेट करना है लेकिन कंपैशनेट के केस में हम इस बात को भी जहन में रखते हैं कि वट द अदर फीलिंग अदर पर्सन इज फीलिंग फॉर एग्जाम्पल अगर अगला शख्स डिस्ट्रेस में है तो आप अपने आप को डिस्ट्रेस में फील करते हो अगर अगला शख्स खुशी की फीलिंग में है तो आप उस खुशी को महसूस करते हो सो वट एवर द अदर पर्सन इज फीलिंग आप उस फीलिंग को उसके साथ शेयर कर लेते हो और बिल्कुल इस अंदाज में जैसे कि वो आपकी अपनी आप बीती हो ये ताल्लुक ये कंपेशनेट होने का मामला बिल्कुल वैसे है जैसे एक पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप है जिसमें के द पेरेंट्स आर एक्चुअली गोइंग थ्रू एवरी द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू सो उन एस्पेक्ट्स में जिस तरह एक पेरेंट्स अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करते हैं उसकी केयर करते हैं उसके कंसर्न में बात करते हैं उसी तरह पेटर्नलिस्टिक स्टाइल के साथ हमें अपने फॉलोअर्स के साथ अपने एम्प्लॉइज के साथ डील वो करना पड़ेगा दैट वुड बी द सोर्स जिससे कि हमारा जो कंपैशनट होना है वो ब्रुवेकार आएगा और जब हम कंपेशनेट होते हैं जब हम अपना ताल्लुक अगले शख्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उससे हमारी माइंडफुल जो प्रैक्टिस है वो बूस्ट लेगी और उस माइंडफुलनेस से हम कल्टीवेट कर सकते हैं अ कल्चर ऑफ कंपैशनेट एस्पेक्ट कि जिसमें के द पीपल आर हैविंग कंसर्न पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर पीपल आर फीलिंग वट अदर्स आर फीलिंग सो ये तमाम काम करने से हमारा जो ताल्लुक है हमारा जो रिलेशनशिप है हमारा जो मामला है वो बेहतर तौर स्टैब्लिश वो हो पाएगा डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम एम्पति और कंपैशनेट होने का दावा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करना है हमें वेन टू से नो इस बात को भी समझना है हमें यह भी बात जाननी है कि हमारी अपनी लिमिट्स क्या है हमारे अपने कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं अगर हम इन तमाम चीजों को समझ पाएंगे तो बीइंग अ लीडर हम एक बड़ा अच्छा फैसला वो कर सकेंगे अपने फॉलोअर्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अब एवरेज रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकेंगे थैंक यू